नमस्ते, किचन क्वीन ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुदाना वड़ा, या जिसे मराठी में थालीपीठ भी कहते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने लिया है साबुदाना जो हमने कल रात में ही भिगो दिया था। तो 2.5 कप हमने साबुदाना लिया है, ये भीगा हुआ साबुदाना है 2.5 कप। उसके बाद 2 उबले आलू, 1 कप हमें चाहिए मूंगफली का कूट जो हमने मिक्सर से ग्राइंड कर लिया है, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए जिंजर का पेस्ट, या आप क्रश करके भी ले सकते हो। इसमें हमने ली है 4 से 5 हरी मिर्च, और उसमें जीरा डाल के इसे मिक्सर से ग्राइंड कर लिया है, 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हमें साबुदाना लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे जो पोटैटो हमने स्मैश कर लिए थे 2, वो इसमें हम डालेंगे जिंजर, हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार और मूंगफली का पाउडर जो हमने कर लिया था, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कटा हरा धनिया। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों पे थोड़ा तेल लगाएंगे और जो हमने इसका मिक्सचर बनाया था वो हाथ पे लेंगे, उसे हल्के से रोल करेंगे और इस तरह उसे प्रेस करेंगे। इस तरह इसका हमने वड़ा बना लिया है। अब सारे वड़े हम इस तरह बना लेते हैं। इस तरह हमने वड़े बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके वड़े फ्राई करेंगे। हमें तेल अच्छा गर्म चाहिए। 3 से 4 वड़े हम एक पैन पे तलेंगे और उसे फिर गैस को हम मीडियम कर देंगे। अब हम वड़े पलट देते हैं और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, जिससे वो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। वड़े हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हो वड़े कितने क्रिस्पी बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो बाहर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से इतने ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे हमने शेंगदाने की या मूंगफली की चटनी के साथ परोसा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।